चूल्हे में जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ अपने
देखा आप लोग, मैं थक गई हूँ तुम्हारी किस्मत। यही है जिंदगी, और क्या? मेहनत मजदूरी ही नाम है जिंदगी का। बिल्कुल सही। लेकिन जागीरदार के पास तो खूब पानी है। हाँ हाँ, तो वो जागीरदार जो ठहरा। इस बात से सीता को लाजवाब कर दिया और यूं वो अपना काम करने लगा और जागीरदार भी अपना काम करने लगा। आपको यहाँ एक बात जानना जरूरी है, बंटू के बारे में और सीता के बारे में। उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी, मगर बंटू जरा कमजोर किस्म का मर्द था। हाँ, उसे जुम्बिश नहीं होती। नहीं, कभी कभार वो भी जाती थी। हाँ, मगर जरा ही देर के लिए, अभी सी। यूं समझिए कि अभी हुई और खत्म। ये कोई हंसने की बात नहीं है, बड़ा संजीदा मसला है। इसका उन दोनों को बड़ा दुख था, दोनों को बड़ा लज था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आपस में वो इस बारे में बात नहीं करते थे। वो जबान पर ला नहीं पाए ये बात तो, और यूं ही जिंदगी गुजरती थी। उन्होंने ये सब भुला देना चाहा। मैं नहीं भुला सकती, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। और यूं वो औरतें अपने अपने काम में जुटी रहीं और जागीरदार सोता रहा। ये वो जमीन चाहिए। एक और चीज जो उसे चाहिए थी। चाहने से कोई बात नहीं बनती। मैं भी इसे यही समझाता रहता हूँ। मुझे वो जमीन चाहिए, वो हमारी है। हमारी कोई जमीन नहीं है। जो बुड्ढे जागीरदार ने तुम्हें दे दी थी, उसने तुम्हारी नाम लिखवा दी थी। उसके बेटों ने वापस भी ले लिया। जागीरदार और उसके भाई, ये हम दोनों ने मिली भगत से किया। एक शाम मंजू अपना थैला अपनी तैयारी की पिटारी उठाए गांव पहुंचा। उस वक्त हरी बट्टू खेतों में मजदूरी करके घर पहुंचा है। अरे आओ जी आओ, मंजू आया है। देखो क्या क्या बढ़िया माल लाया है तुम्हारे लिए। भाई हीरे जवाहर है मेरे पास, ये देखो बेहतरीन मोती, कल्चर्ड पर्ल्स लाखों के हैं, और ये हैं बालियां, ये भी आज आए गोल्ड वाले हाजी साहब ने रेटनर्स ऑफ यूके से इंपोर्ट किए हैं। रेटनर साहब खुद इनको कहते हैं चीप क्रैप, यानी इससे आला क्वालिटी तो कोई हो ही नहीं सकती। और जनाब दुनिया कोई आपके लिए बहुत बहुत ही खास आइटम है, एक्स्ट्रा स्पेशल विस्की। मंटुमिया ये असली स्कॉच विस्की है भैया, मेड इन जापान। जरा चक्कर तो देखो। हाँ पी ले। अरे मंटू तू काम कर करके थक गया होगा ना। अरे पी ले थोड़ी थोड़ी सी पी कर तो देख। अरे हम तुझसे वो तो बाद में देखेंगे। मर्द के लिए थोड़ी बहुत मस्ती जायज होती है, चैन और सुकून मिलता है इससे। और चैन सुकून हासिल करना मर्द का हक है भैया। पी 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 मजा आया, अच्छी लगी। हाँ तो फिर ये लो तेरे बाप को क्या जाता है। पी पी और थोड़ी और, इसके बाद कुछ और। जी अब कुछ बातचीत भी हो जाए, कुछ गप लगा ले अपने दोस्तों यारों के साथ, कुछ अपनी कह, कुछ हमारी सुन। जमीन के बारे में? उस जमीन के बारे में जो हमारे वाले साहब ने मते दम तेरे नाम की थी। वो जमीन जो उन्होंने तेरे नाम कर दी थी, यतीम बच्चे के नाम कर दी थी, जिसको उन्होंने रहम खाकर गली की नाली से उठाया था। ये तो पता है ना, मुझसे प्यार ही इतना करते थे।
तुझे पता उन्हें बीमारी ऐसी थी, उन दिनों वो अपने आते में नहीं रहे। वरना तो भला क्यों तुझे कुछ भी रहते? अब्बा था उनके मोहब्बत शफ़क़तों और उनके प्यार का ये सिला देगा, एक एक बीमार आदमी की आसाबी कमजोरियों का फायदा उठाना क्या जायज है? इसके अलावा बंधु ये तो जमीन जायदाद है ना, बड़ा बोझ होता है, उनकी देखभाल करना बड़ी दर्द सही का काम है। खासकर तू जैसे इंसान के लिए जो जो किसी काबिल ही नहीं है। हाँ, और उस कर्जे का भी तो जोर जो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ? याद है ना तुझे हमने कितना कर्जा दिया था, उसे भूल मत जा। चल अब यहाँ कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो जा, ये रहा हमारा कागज। मगर मुझे तो लिखना ही नहीं आता। वो भी आ जाएगा, वो तू हम पर छोड़ दे। तेरी ये मुश्किल भी हम आसान कर देते हैं। वो बेचारा नशे में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हो रहा है। जबरदस्ती उसके दस्तखत उसका अंगूठा कागज पर ले लिया गया। जब उसकी आंख खुली है तो उसका घर और जागीरदार उसकी जमीन पर कब्जा जमा चुका। कुछ भी ना दो किसी को, कभी नहीं, अपना कब्जा मजबूती से जमाए रखो। और उन्होंने तो उससे कुछ भी नहीं बोया, खाली छोड़ रखा है उसे। हाँ। उन्होंने तुझे उल्लू बना दिया। मैं उनका कैसे मुकाबला करता? तू मना कर सकता था, इनकार कर सकता था। इनकार करना इतना आसान हो रही होता? खासकर अगर उनका कर्ज चढ़ा हो तो इनकार कैसे हो सकता? सारे काम की सबसे बेकार जमीन का छोटा सा टुकड़ा, इसीलिए तो कब्बक नेता की दाने तेरे नाम करती थी। हाँ और क्या, बिल्कुल बंजर पथरीली बेकार जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, हमारे पास उन्हें नामने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बंधु, पड़ता है फर्क। हाँ। हम इसे किसी ना किसी काम में ला सकते थे। हाँ ये तो है, उन्होंने तो इस पर कुछ भी नहीं बोया, कांटे हो रहे हैं उस पर। अरे वो मालिक है जमीन के, जो जी में आए करे। हमें उनसे वापिस लेनी चाहिए। ये हम नहीं कर सकते, वो अब उनकी है, उनकी हो चुकी है लिखत पढ़त के साथ कानूनी तौर पर। तो तू वकील से बात करके देख। वकील कौन सा गांव में बैठा है? वो तो शहर में होता है। तो तू शहर जा। पर मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? हो सकता है पैसे देने ही ना पड़ेगा। वकील तो सांस लेने के भी पैसे मांगते हैं। लेकिन वो तो इसी गांव का है और तुमने मुझे बताया था कि तेरा और उसका बचपन का साल था। वो तो सब भूल भी चुका होगा। लेकिन तू तो उसके बड़े काम आया था। तुमने मुझे बताया था कि तूने उसे पैसों के बाड़े में रहने की जगह दी थी और रात भर लाटे पकड़े खड़ा रहता था ताकि वो पढ़ाई कर सके। अब मैं कब तक याद ना आऊंगा? वो तो सब कुछ भूल चुका होगा। हो सकता है ना भूला हो। हम जगह को हाथ से नहीं जाने देंगे चाहे कुछ हो जाए। हम डटे और हमने इकट्ठा होकर मोर्चा बनाया। इधर उधर से कपड़ा पुराने कपड़े जमा करके झंडे बनाए जिन पर लिखा बेघर लोगों को जमीन दो, घर दो, बेजमीन आवाम को जमीन दो। सारा दिन
इतने हिम्मत ही कहाँ है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके। हम भी समझ में थे, सारी रात अलाव जलाया और गीत गाते रहे, हम देखेंगे लाजे देंगे हम भी। उन दिनों किसी शायर ने नया नया लिखा था, सब जोश में थे अपने फतेह के नशे में चूर। अगली सुबह वो लाठियां और आंसू गैस और घर गिराने वाली मशीनें और गाड़ियां लेकर आए और हम पर झाड़ू, हमें वहां से ऐसे उड़ा दिया जैसे कंद के ढेर पर से। चुप हो रहा तेरी धूल ने हमारे घरों को गिराकर चटिया मैदान बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा वहां पर, और सारा मलबा इकट्ठा करके टपों में डालकर ले गए। अब हमें पता चला कि हमारे पास भी था कुछ खोने के लिए, और बहुत देर से पता चला कि अब वहां कुछ नहीं था, सब खत्म हो चुका था। और यही कहानी हमारी तमाम बस्तियों की है, चाहे वो गांव में हो या शहर में, हर जगह बस यही होता है। यही है खड़ा सच। इसलिए मुझे नफरत है इस गांव से, यहाँ हर कोई अपने दिमागों को बंद किए ताला लगाए बैठा है कि कहीं जो थोड़ा बहुत हाथों में है वो भी ना निकल जाए। कभी कभी गलतियां नहीं समझदारी होती है। जब मैं अपने पहले आदमी के साथ थी, मैं भी बहुत डरती रहा करती, चिड़िया की तरह इधर से उधर सटक जाती थी। मैं अपनी हैसियत, अपने नए कपड़े, अपने गहने, अपने जेवर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और आखिर मैंने अपना सब कुछ खो ही दिया। तब पता चला खो देने का खौफ असल में खो देने से ज्यादा बुरा होता है। तू समझता है कि मैं पागल हूँ? तुम दोनों यही समझते हो कि मैं दीवानी हूँ क्योंकि तब्दीली की ख्वाहिश करती हूँ। तुम दोनों अपने आप को बड़ा सयाना समझते हो, लेकिन जरा देखो तो ये बंटू खुद गंग मट्टी में चला धड़ाधड़ अपने मालिक के कपड़े उजले करने में लगा हुआ है। तेरा तो हमेशा का यही जवाब होता है। और तुम भी इससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हो, जो तुम धागे फिरो फिरो कर कतरने जोड़ जोड़ कर बनाती रहती हो ना, इन्हें यहाँ कभी कोई खरीदने नहीं आने वाला। अरे काम किए बगैर मैं नहीं रह सकती, उंगलियों में खारिश होने लगी। अब क्या पता कभी कोई राहत आ ही जाए, और क्या पता कभी इस पाम से पानी निकल भी आए। ये गांव जहां कभी कुछ नहीं बदलता, जो सदियों से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। और ये वो दिन था जब छोटा भाई दोबारा वहां पहुंचा, अपना ठहरा वही अपनी अय्यारी की पिटारी में, जब जागीरदार टहलने निकला था, जो वो कभी कभार करता था। बंटो। जी सरकार। मेरी छतरी ला, आज मैं चहलकदमी करूंगा। बड़े भाई की सांस खुली रहती थी और छोटा अकड़ फू दिखाता था। दोनों भाइयों की मुलाकात गांव के चौक में हुई। हाँ भैया, क्या हाल है? बड़ा बहुत तेज धूप है, तू छतरी सही तरीके से नहीं पकड़ सकता क्या? छतरी टूटी हुई है सर काम। छतरियां तो अमेरिका की बेहतरीन होती है, ऐसी के बटन दबाया और जुप, फिर अमेरिकी झंडे के साया में सुकून के मजे लूटो। दो सौ डॉलर। जरा सोच, जरा तस्वीर तो करके दे पंटू। इसे नहीं, गरीबों के तहय्युर की परवाह कितनी महदूद है, बल्कि है ही नहीं। $200 बंटू, ये इतनी बड़ी रकम है जो तू सारी जिंदगी में नहीं कमा सकता। मेरी
मेरी सारी जिंदगी की मजदूरी छतरी की कीमत से भी कम है। मंडो, अमेरिका में हर चीज की बड़ी ठीक ठीक कीमत लगाई जाती है, लेकिन ऐसी बात का तो होना है, यही तो दुख है। ना ही अमरीका है और ना ही बात की छतरी है हमारे पास। इसीलिए भैया हमें शॉर्टकट से तरक्की करना होगी, कोई जुगाड़ लगा। लेकिन इस दौरान सूरज की तपिश में तो कमी आने से रही। भाई अमेरिका में होते तो झट से पंखा खरीद लाते, ऐसा के बटन दबाया ठंडी हवा जैसे फ्रिज में बैठे। भैया ये सब हमारी पहुंच से बाहर है, इसीलिए भैया हमें अपनी पहुंच को बढ़ावा देना होगा इसके जरिए। ये क्या है? रोशनी? ये रोशनी नहीं है भैया, कुमकुमा है, रंगीन शीशे का कुमकुमा। लेकिन इस कुमकुमे में, इस कल में भैया भर खाता हुआ एक बारीक तार है औलादी। उस तार से जब बिजली गुजरती है तो ये भड़कता है, और जब ये भड़कता है तो हमको रोशनी मिलती है। भैया तुम आप देख रहे हो। भैया मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं खाप वाप नहीं देखता। अरे हमारे गांव में बिजली नहीं है। अरे हमारे गांव से बिजली के तार तो गुजरते हैं। हाँ तार तो गुजरते हैं, मगर उनकी बिजली हमारे लिए नहीं, वो तो बाला ही बाला आवाम के सरों के ऊपर से गुजर जाते हैं। इनके दिमाग घरों के भेद क्या जाने, इन्हें तो बस पेट भर रोटी मिल जाए वो ठगा जो तुम्हारी मेहरबानी से आप लोग होता है। इस गांव में जहां ना कोई आता है, ना लिखता पढ़ता है, ना ही किताबें हैं, मैं हूं वाहिद बच्चा जिसके पास कोई किताब है। जहालत के इस समंदर में घुटन से मर रहा हूं मैं। इस गांव की तारीखी को दूर करने के लिए रोशनी चाहिए जिसकी एक किरण भी यहां मौजूद नहीं। वो एक थैले में है। तुम्हारे थैले में तारों के गुच्छे हैं। भैया तारों के इन गुच्छों को मैं बिजली की लाइन से जोड़ सकता हूँ। तार बड़े बेशकीमत है, उनके जरिए गांव की काया पलट जाए। नामुमकिन भैया, मुझ पर एफआईआर करो। मैं तुम पर एफआईआर